स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ड्रीम बिग में। दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के टोटल 5 पार्ट्स हैं जिनको हमने अलग अलग वीडियोस में सॉल्व कर रखा है। इस वीडियो में पार्ट फर्स्ट को सॉल्व किया गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं इसमें, तो उनको आपको सॉल्व करना है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें देखिए इन्होंने क्या दे रखा है, पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, और दे रखा है क्यू एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। तो स्टूडेंट इसमें आप एक्स और वाई से फेमिलियर हैं और p और q से फेमिलियर नहीं है, तो इन्हें देख के आपको डरना नहीं है। ये क्या है, कांस्टेंट है, और x और y क्या है, हमारे वेरिएबल, तो हमें उनकी ही वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनका नामकरण कर देंगे, इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए कितना आसान है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ द एलिमिनेशन मेथड। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे p से और सेकेंड को मल्टीप्लाई करेंगे q से, फिर देखिए क्या होता है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय पी एंड इक्वेशन 2 बाय क्यू, ये कर देते हैं हम। तो पी से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो देखिए थ्रू आउट पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू वाई इज इक्वल टू पी इंटू पी माइनस क्यू, ये हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा ना, एक पूरा हो गया, तो उस पूरे को हम p से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए ब्रैकेट का यूज किया। तो इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 3। फिर देखिए इसको q से कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, q स्क्वायर x माइनस पी क्यू वाई इज इक्वल टू क्यू इंटू पी प्लस क्यू, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए स्टूडेंट्स ये हमने मल्टीप्लाई करके हमारी इक्वेशन 3 और 4 आ गई। अब इसको हम ध्यान से देखेंगे तो क्या पाएंगे हम, यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस का पी क्यू वाई है और यहाँ पे माइनस का पी क्यू वाई है, मतलब सेम वेरिएबल के डिफरेंट कांस्टेंट है, जो कोफिशियंट है यहाँ पे पी क्यू उनके अलग साइन है, तो डायरेक्ट अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो वही हम करेंगे, ऐड करेंगे, यहाँ पे भी लिख सकते हैं एंड एंड देन ऐड देन, यहाँ पे भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट आप इनको ऐड कर सकते हैं। ये देखिए डायरेक्ट यहाँ से ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू पी इंटू पी माइनस क्यू प्लस क्यू इंटू पी प्लस क्यू बचेगा। इसको आप थोड़ा सॉल्व करेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स और एक्स क्या है, कॉमन है, तो उसको बाहर ले लेंगे, अंदर ब्रैकेट बना देंगे, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ब्रैकेट बना दिया इंटू एक्स, यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए, तो पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर ब्रैकेट खोलेंगे, तो ये पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, तो देखिए ये माइनस का पी क्यू है प्लस का है, तो दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ पे क्या है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स। अब इस तरफ ले जाएंगे इसको पूरे टर्म को, तो क्या बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, सेम सेम है, तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ 1, तो x हमारा निकल के आता है 1। अब दोस्तों x की वैल्यू आ गई, अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में किसी में भी आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, क्या है हमारे पास, p ऑफ x प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू है हमारे पास, x इज इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट कर दिया तो ये p बनेगा और ये क्या बनेगा क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, पी को उस तरफ ले जाइए तो क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू माइनस पी, इस तरफ आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो देखिए ये क्या हो गया, ये प्लस का p और ये माइनस का p कैंसिल आउट हो जाएंगे दूसरे को, ये क्या बचेगा क्यू वाई इज इक्वल टू माइनस क्यू। अब देखिए यहाँ पे ये q क्या है, y से मल्टीप्लाई पे है, तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो माइनस q अपॉन q, फिर q से q कैंसिल कर सकते हैं, तो ये क्या बचेगा माइनस 1, तो यहाँ बचेगा माइनस 1, इसको आप बॉक्स कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स ये था पार्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन। अगर आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा,
टेंथ क्लास से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। नेक्स्ट में हमने जो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसके भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।